इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों का डिमांड था कि 12th क्लास का जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो देखो, अभी जो है 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आएगा, तो आपको अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि अभी जो है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो है एक नया रूल है कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम देकर आप मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो अभी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होता है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है जुलाई महीने में होता है। जैसे ही आपका जो है जून के स्टार्टिंग हफ्ते में आपका जो है 12th का रिजल्ट लगभग आ जाता है, तो इसके बाद जो है अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा लग रहा है कि उस स्टूडेंट को कि उसको कम मार्क्स मिले, जैसे कि आप लोगों को कहीं कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है और वहाँ पर क्राइटेरिया है कि 60% 60% से कम वाले स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो सकता, जैसे कई जगह पर होता है। जैसे कि अगर आप फार्मेसी करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो 60% का क्राइटेरिया बहुत जगह होता है। तो उसके लिए अगर आपका ऐसा जो है ग्रुपिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और आपका समझ लो 50, 55, 40% आया है, मतलब आप पास हो गए हो लेकिन आपका परसेंटेज कम आया है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब आपको अपना जो है रिजल्ट वो बढ़ाना है चाहते हो अगर कम मार्क्स आया है तो। तो इसके लिए आपको जो है जुलाई महीने में जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है उसको आपको देना होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दोगे तो आपका जो है मार्क्स, अगर आपने फिर से दिया, अगर मार्क्स बढ़ सकता है, तो कई सारे स्टूडेंट के मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गया तो फिर क्या होगा, तो फिर कौन सा रिजल्ट वैलिड होगा। तो जिस रिजल्ट में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है उसी रिजल्ट को जो है माना जाएगा। अगर समझ लो आपने अभी जो पेपर अभी दे रहे हो मार्च जो भी आपका चालू है उसमें अगर आपका 55% आ गया, और आपने फिर से सोचा कि मुझे मार्क्स बढ़ाना है, और आपने ट्राई किया कि मार्क्स बढ़ाने का, लेकिन जब जुलाई में एग्ज़ाम दिया, फिर उसका रिजल्ट जब अगस्त में आया, फिर पता चला कि उसमें आपको तो 50 मार्क्स ही आ रहे, तो फिर कौन सा जो है रिजल्ट जो है माना जाएगा? तो फिर जिसमें आपका ज़्यादा आया है वो माना जाएगा, तो फिर आपका कम आया, फिर अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे 60+ लाना है, तो बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम का जो है अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको 2 बार मौका मिलता है, एक बार जुलाई महीने में, एक बार फिर जो नेक्स्ट ईयर जब सारे स्टूडेंट जो फिर से एग्ज़ाम देंगे, जब आप जो है फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तब जो है एग्ज़ाम देना होगा। मतलब अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो अपने रिजल्ट का, तो आप जो है 2 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हो, एक बार आप रिजल्ट आने के बाद जुलाई महीने में, या फिर जो है नेक्स्ट ईयर जो है फिर से जब एग्ज़ाम होगा फरवरी के स्टार्टिंग में। तो इसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो इसके लिए अभी आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम दो, अगर रिजल्ट आने के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आपको लगता है कि मुझे मार्क्स कम मिले, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, अगर एडमिशन हो जा रहा है तो आप एग्ज़ाम मत दो, क्योंकि जो है बाद में कोई 12th का रिजल्ट का इतना पूछेगा नहीं, अगर आपका जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो यह आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको जो है मार्क्स अच्छा नहीं आया, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप 2 बार दे सकते हो, एक बार जुलाई में, फिर एक बार या फिर नेक्स्ट ईयर में, और जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा वही काउंट किया जाएगा।